दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। मुफ्ती साहब की पैदाइश 12 मार्च 1978 को हुई। इब्तदाई तालीम अपने बड़े भाई मरहूम मौलाना बशीरुद्दीन साहब नदवी की सरपरस्ती में हासिल की। फैजुल उलूम बुरहानपुर और काशिफुल उलूम औरंगाबाद, इन दोनों जगह भी आपने इब्तदाई तालीम हासिल की। इसके बाद आप लखनऊ तशरीफ लेकर गए और वहाँ आपने फजीलत और इफ्ताह इन दोनों को मुकम्मल किया। वहाँ से फारिग होने के बाद आप 3 साल तक के इलाका कोकन के मशहूर दीनी दरसगाह जामिया हुसैनिया में अदबी अदब पढ़ाने में मशगूल रहे। वहाँ आपने काफ़ी फैज पहुँचाया। इसी दौरान आप असरी उलूम में भी अपने जौहर दिखलाते रहे और अरबी उर्दू में एम ए की डिग्री हासिल की। फिर 1999 को आपका तकरीब यूनानी मेडिकल कॉलेज जलगांव में बहसत प्रोफेसर हो गया। वहाँ तकरीबन 15 साल तक के आप अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। इसी दरमियान वहाँ एक इलाके के एक अहम मस्जिद में आपने इमामत और खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जिसे मस्जिद उमर कहा जाता है। उसके बाद आपको महसूस हुआ कि उम्मत बहुत प्यासी और तृष्णा है और सिर्फ इमामत और खिताबत और इस तरीके से तकरीर और तहरीर से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपने अमलन सियासत में हिस्सा लिया। तभी से आप सियासत में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और मजलूम की आवाज़ बने हुए हैं। इसी के साथ आपको ये भी महसूस हुआ कि सहाफत एक अहम शोबा है जिसमें हम अगर अपने आप को नुमाया ना कर सके तो कोई ख़ास काम ना हो सकेगा, तो उसके लिए फिर आपने सहाफत में कदम रखा और 2017 में आपने वायरल न्यूज़ के नाम से अपना एक चैनल खुद बनाया और तब से अब तक के आप पूरे सहाफत के उफक पर एक ताबनाक सिदाते की सूरत में जलवाफरोज हैं। आप मशरक मगरिब शुमाल जनूब हर तरफ जाने पहचाने जाते हैं। आपका बहुत ज़्यादा एक मद्दाहों का एक सैलाब है जो उमड़ता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा आप छाए हुए हैं, हर दिल की धड़कन है। कायद नस्ल नौ आपका खिताब दिया गया है, मुकर्रर बेबाक आपको कहा जाता है। अल्लाह तबारक ने आपको चुना है, आपने जिस मैदान में कदम रखा हुआ है वहाँ आप बढ़ते चले गए। यकीनन एक ऐसी आवाज़ है जो अब कम होने का नाम नहीं ले रही है, रोज़ बरोज बढ़ती चली जा रही है। मेरा राहत इंदौर ने कहा था कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो आपने उसी अमली शक्ल को इख्तियार फरमाया, खुद अपने आप बढ़ते चले गए और अल्लाह ताला ने आपको इस मकाम तक ही पहुँचाया है। आप हर इलाके में पहुँचते रहते हैं, हमारे इलाके में भी आपकी आमद बार बार होती रहती है। जो अनकरीब आपके रूबरू होने जा रहे हैं, मौलाना मोहतरम बहुत सारे हादसा से भी गुजरे हैं, लेकिन जैसे कि मौलाना ने चलते चलते इस तरीके से अपने एक माहौल बनाया है कि हुजूम में गम मेरी फितरत को बदल नहीं सकते, क्या करूँ मुझे हार, मुझे आदत है मुस्कुराने की। मौलाना मोहतरम को मैं इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से कह लेना, नंगे भूखे बेचारों से कह लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से कह लेना। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब नदवी मदजुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وخلط على يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وخلط على كل من عليها فان كل من عليها فان
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وخلت على فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام من معاميري آواز من جاهدي کے تلپ آئے آپ ہی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے نسل اجالوں کو ترس جائے گی ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اسٹیج پر جلوہ فروز ہم سب کے بڑے ہمارے مشفق ہمارے مربی استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قاسم مولانا مظفر صاحب مولانا سید بلال صاحب مولانا معراج صاحب قاری محمد ریاض صاحب مفتی اطہر سعید صاحب حافظ محمد ایوب صاحب مولانا عطاء الرحمن صاحب مولانا انصار صاحب اسی طریقے سے حضرت مولانا مقیم صاحب مفتی ابراہیم صاحب حافظ یاسین صاحب پارس کے میرے نوجوان دوستو بزرگو ساتھیو ایک بڑا اچھا ماحول آج آپ نے یہاں پر بنایا ایک شاندار اجلاس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ نے سجایا
और मुफ्ती साहब मैं आपको बताऊं कि पारस के इन जवानों का जोश मैंने आज देखा तो मुझे लगा कि वाकई ये पारस है। ये बड़े हीरे हैं, ये बड़े कीमती है। वहाँ हाईवे पर पहुंचे, 5 किलोमीटर तकरीबन नारे लगाते हुए यहाँ तक लाया। मैं भी डर रहा था कि भाई कौन से आया, कौन आया, कौन आया, बोलो जोर से। नहीं नहीं मजा नहीं आया, कौन आया, कौन आया, एक बार जोर से, कौन आया, कौन आया। लेकिन अपन शेर नहीं वाला, अपन अशरफुल, अरे बोलो मखलूकात है। अल्लाह ने 4 कसम खाई कुरान में। कितनी कसम खाई बोलो? 4। अल्लाह ने कसम खाया और आपके और मेरे बारे में कुछ कहा। क्या कहा अल्लाह ने आपके बारे में, मेरे बारे में? क्या कहा अल्लाह ने 4 कसम खाकर? والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين اللہ کہتا ہے انجیل کی قسم، زیتون کی قسم، پور سینین کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم۔ اللہ نے 4 قسم کھا کر کہا او میرے پارس کے جوانوں، او میرے پارس کے بھائیوں، او میرے پارس کے بھائیوں، او میری پارس کے بہنوں، اللہ نے ہمارے آپ کے بارے میں اللہ نے 4 قسم کھا کر یہ کہا۔ کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے کہا کہ بہترین، سب سے بہترین ماڈل اگر میں نے کسی کا بنایا تو وہ انسان کا بنایا ہے۔ یہ جتنی مخلوقات ہے، یہ چرند ہے، یہ پرند ہے، یہ درند ہے، یہ حیوان ہے، یہ جنگل کے جانور ہے، اور یہ جتنے پھول پودے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کے مخلوق ہے۔ کبھی آپ ان کی خوبصورتی دیکھ کر بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی آپ گلاب کے پھول کی تعریف کرتے ہیں، کبھی آپ چمیلی کے پھول کی تعریف کرتے ہیں، کبھی آپ موگرا کے پھول کی تعریف کرتے ہیں، کبھی آپ آبشاروں کو دیکھ کر، جھرنوں کو دیکھ کر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ ان تمام سے زیادہ خوبصورت میں نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی نکتا ہو، کوئی چپٹا ہو، کوئی بٹکا ہو، کوئی لمبا ہو، کوئی کالا ہو، لیکن انسان سب سے خوبصورت ہے۔ اور پھر اللہ نے اسی انسان کی رہبری کے لیے، تو دے تو میرا سب سے پیارا بندہ ہے، دے تو میری سب سے پیاری بندی ہے، دے میں تجھے ایسا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اللہ نے ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہم سب سے سدھار کے لیے، ہم سب کو سجانے کے لیے، ہم سب کو سنوارنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا ہے نا؟ ہمارے لیے، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے تمہارے عشق میں تھوڑا سا گڑبڑ لگ رہی ہے۔ زور سے کہہ دو، صلی اللہ، زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو بھائی، میں سچا عاشق رسول ہوں، میں چھپری نہیں ہوں۔ اگر تم میرے قریب رہتے نا تو میں نے ہندوستان میں 2-3 جگہ جو قریب بیٹھ کر اگر درود بھی پڑھتے ہیں تو میں نے 2-3 جگہ مائک پھینک کے مار دیا۔ سمجھ گیا؟ نبی کا ہم پر احسان ہے، اتنا احسان ہے کہ ہم یہ بدن کی چمڑی نکال کر آپ کے لیے جوتیاں بنا کر پیش کر دیتے بھی ہم اپنے نبی کے احسان کو چکا نہیں سکتے۔ تو اس لیے پھر یاد رکھو، جب بھی نبی کا نام آئے درود شریف پڑھ لینا۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ او میرے جوانوں، او میرے پیارے بچوں، او میری بہنوں، اللہ نے آپ کے لیے، اللہ نے ہمارے لیے کم سے کم، اللہ نے آپ کے لیے، اللہ نے ہمارے لیے کم سے کم 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ انسان سدھر جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، سنو یہ بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، بارہا آپ نے علماء کی زبان سے سنا ہوگا،
के आखिरी नबी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये दुनिया जुल्म से भर चुकी थी, जुल्म आम हो गया था, अत्याचार आम हो गया था, नाइंसाफी आम हो गई थी। मेरी बहनें मेरी बात को सुन रही है, औरतों का तो यह हाल बना दिया गया था कि औरत को जानवर से भी बुरा समझा जाता था, और औरत 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 का तो यह हाल था नबी के आने से पहले कि औरत का तो यह मकाम समझा गया था कि औरत अगर पैदा हो जाती थी तो, सुनो कुरान कह रहा है कि औरत का तो इतना बुरा हाल बना दिया था नबी के आने से पहले कि कुरान कह रहा है वइजा बुशिर अहदुहुम बिल उनसा ज़ल वजहु मुसवद्दं वहुवा कज़ीब। कुरान कह रहा है मेरी बहनों, कुरान कह रहा है मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है कि नबी के आने से पहले ये औरत को इतना जलील किया गया था, इतना रुस्वा किया गया था, इसके मकाम को इतना घटा दिया गया था कि कुरान कहता है वह इज़ा बुशिरा अहदुहुम कि अगर किसी को खुशखबरी सुनाई जाती कि तेरे घर बेटी पैदा हुई है, ज़ल्ला वजहु मुसवद्दं व कज़ीम, तो उसका चेहरा सियाह हो जाता, उसका चेहरा गम के मारे अफसोस के मारे काला हो जाता। और यहां तक लिखा है कि जब तक वो बाप, ओ मेरी बहनों सुनना, इस्लाम ने आकर तुम्हें मकाम दिया, इस्लाम ने आकर तुम्हें एहतराम दिया। हदीस में आता है, वाकयात मिलते हैं कि औरत का पैदा होना उस वक्त जुल्म समझा जाता था, ऐब समझा जाता था, और जब तक बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को दफन न कर देता, बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को गाड़ न देता, तब तक वह गांव में मोहल्ले में किसी को मुंह नहीं दिखाता था। ये हाल था। इस्लाम आया, इस्लाम ने औरत के मकाम को बताया, इस्लाम ने औरत के मकाम को जाहिर किया। आओ अब मैं जो अहम बातें यहां से कहने जाऊंगा, माशाल्लाह मेरी निगाहें देख रही है कि हमारे बड़े मुफ्ती असलम साहब, अभी फिलहाल तबीयत खराब भी चल रही है, मगर फिर भी वो आए हैं मोहब्बत में। लाओ इधर लाओ मुफ्ती साहब को, उनके फर्जंद मौलाना भी आए हैं, इत्मीनान से बैठा दो, अब बैठ जाओ। कसम मुफ्ती साहब, मेरा आवाज़ नहीं चल रहा था, इंजेक्शन लिया भी मैंने, मैंने कहा मेरे मौला ये जवानों ने इतनी मोहब्बत से प्रोग्राम सजाया, थोड़ा सा आवाज़ को खोल दे। अल्लाह ने आपके इखलास में खोला है, अब इंशाअल्लाह मैं जब उसने खोला है तो मैं बोलूंगा, नहीं समझा। तो चले आए कि अब इस्लाम ने औरत को मकाम दिया। 1,24,000 अंबिया, ओ मेरे जवानों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, ये 1,24,000 अंबिया हम इंसानों को सुधारने के लिए आए, उनकी इस्लाह के लिए आए। और ये अंबिया का आना खत्म, अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई नबी नहीं आने वाला। झूठे पहले भी आए थे, नबी के जमाने में भी झूठे नबी आए थे, जी हां, और जब जब भी आए उनका गेम हुआ, नहीं समझे। अरे कुछ समझे भाई, जब जब भी झूठे आए उनका गेम हुआ। इंशाल्लाह अब भी जितने आएंगे अगर मिल जाए तो गेम, नहीं समझे। अभी भी छुपते फिर रहा है शकील बिन हनीफ, कमबख्त कमीना शैतान, आज तक के दिखा ही नहीं, मैंने उसकी सुपारी लिया हूं, दिखता ही नहीं मुफ्ती साहब। तो झूठे नबी पहले भी आए थे, कयामत तक आते रहेंगे, लेकिन सुनो सुनो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। अब उन्होंने हमसे कहा, उन्होंने आपसे कहा, ओ मेरी बहनों, उन्होंने आपसे भी कहा, उन्होंने आपसे भी कहा, उन्होंने इनसे भी कहा, उन्होंने मुझसे भी कहा, क्या कहा, क्या कोई नबी आने वाला नहीं, अब इस्लाह का काम, सुधार का काम ये तुम्हारा होगा, तुम नबी ने कहा कि अब ये काम तुम्हारा होगा, अच्छाइयों को फैलाओ ये तुम्हारा काम होगा, और बुराइयों से अल्लाह के बंदों को रोको ये तुम्हारा काम होगा।
और क्या कह दिया फिर नबी ने, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगयिरहु बियदी। हमारे हमारे नबी ने फरमाया, सुनो कितने प्यारे अल्फाज है, ये बुराइयां जितनी आम हो रही है, ये जुल्म आम हो रहा है, ये ना इंसाफी आम हो रही है, ये अत्याचार आम हो रहा है, ये जुल्म आम हो रहा है, ये जिना आम हो रहा है, ये हरामखोरी आम हो रही है, ये शराब आम हो रही है, ये नशा आम हो रहा है, जितने गुना आम हो रहे हैं, नबी ने आपसे कहा, मुझसे कहा, सबसे कहा कि जो भी गुना को होता देखे, नबी के अल्फाज, जो भी गुना को होता देखे तो हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोक दे, और हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से रोके। ये भी हम बोल रहे हैं, मुफ्ती अनीफ साहब ने भी एक घंटा तक के बोले, ये रोकने का काम किया, ये जबान से काम किया, ये जबान से जिहाद किया। नबी ने फरमाया, गुनाह होते देख रहा हो, किसी भी किस्म का गुनाह हो, गुनाह होते देख रहा हो, हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोकना। हाथ की नहीं ताकत है तो कम से कम ऐसे जलसे सजाना, उलमा को बुलाना, तुम में बोलने की डेरिंग नहीं है, वैसे तो बहुत तरचर करता है ना, लेकिन जहां बोलना वहां मुफ्ती साहब जा टर टर करना वहां नहीं करता, वहां तो क्या बोलता, जान दो भाई अपने को, क्या अपने के बाप का क्या जा रहा है क्या? नहीं, नबी ने फरमाया कि गुनाह को होते देखो, हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोको। अगर आपकी बस्ती में, आपके मुल्क में मैं एक मुल्की नेता हूं तो मैं तो मुल्क के बारे में बात करता हूं कि अगर मेरे मुल्क में जुल्म आम होता है, किसी दलित पर जुल्म होता है, मुफ्ती हारून बोलता है, किसी जैन पर जुल्म होता है, मुफ्ती हारून बोलता है, किसी पंजाबी पर जुल्म होता है, मुफ्ती हारून बोलता है, किसी बौद्ध पर जुल्म होता है, मुफ्ती हारून बोलता है, अगर हुकूमत जुल्म के रवैया इख्तियार करती है, मुफ्ती हारून अपनी जान की परवाह न करते हुए बोलता है, क्योंकि नबी ने इसे हुक्म दिया है कि बोल, जुल्म के खिलाफ मुंह खोल, बोल बोल के लब आजाद है तेरे, बोलते हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी है। आज अगर किसी दलित पर जुल्म होगा हमको बोलना चाहिए, किसी बौद्ध पर, किसी ब्राह्मण पर जुल्म हो हमको बोलना चाहिए, किसी जैन पर जुल्म हो हमको बोलना चाहिए, और जालिमों के खिलाफ मुंह खोलना चाहिए। और इतना प्यारा मुल्क है हमारा कि यहां बोलने की इजाजत है, अगरचे कि अभी वो भी छीनी जा रही है, लिखने की भी इजाजत छीनी जा रही है, एक पत्रकार को नहीं खरीद रहे थे, पूरा चैनल ही खरीद ले रहे, नहीं समझा, एक पत्रकार खरीदा नहीं जा रहा तो क्या खरीद ले रहे, अरे बोलो, पूरा चैनल खरीद ले रहे। मुझे ऐसी धमकियां आती कि अगर थोड़ा सा भी कच्चा जिगर रहा ना तो गांव में मोहल्ले की मस्जिद में नमाज को नहीं जाऊंगा, और मैं पारस तक के आ गया, ऐसी धमकियां आती मुफ्ती साहब, नहीं आ रहा, जुल्म आम हो रहा है, बोलो। आज आपने उनवान रखा, क्या रखा, जंग आजादी में मुसलमानों का किरदार। तो मैंने किसी से पूछा, मुझे पोस्टर देखने का भी मौका नहीं मिला था, मैंने कहा भाई क्या उनवान है, तो बोले जंग आजादी में। मैंने कहा भाई खत्म करो, अब मुल्क आजाद हो गया, और अल्लाह का शुक्र है हम दो टोक कह सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने इतना खून बहाया कि जितना दूसरों ने पसीना भी नहीं बहाया। जंग आजादी पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जिसमें सारी बातें समझ में आ जाएगी कि देखो सुनो, इस प्यारे मुल्क के खातिर, इस प्यारे मुल्क के खातिर, इस प्यारे मुल्क को उस वक्त के गोरे जालिम अंग्रेजों से बचाने के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बाप दादा ने इतना खून बहाया कि दूसरी कौमों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया। हमारे यहाँ एक शायर है हाफिज मुश्ताक शायर, उन्होंने बड़ा प्यारा शेर कहे मुफ्ती साहब आजादी के बारे में, हमारी बाप दादा की कुर्बानियों के बारे में, क्या कहा सुना वो शेर, क्या कहा कि वो कलियां भी हमारी थी, गुले तर भी हमारे थे, वो कलियां भी हमारी थी, गुले तर भी हमारे थे, चमन में हर तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे, चमन में हर तरफ
बिखरे हुए पर भी हमारे थे। हदे दिल्ली से लेकर, सुनो ये जुमला, हदे दिल्ली से लेकर सरहदे लाहौर तक साहिल, हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी हमारे, किसी और के नहीं दे। दिल्ली की सड़क से लेकर लाहौर तक किसके सर लटक रहे थे फांसी बार, बोलो जोर से, मुसलमानों के, हमारे उल्मा के। इतने उल्मा को फांसी पर चढ़ाया गया कि अंग्रेजों के पास फांसी के फंदे खत्म हो गए थे तो दरख्तों पर लटका दिया जाता था। लाहौर की सड़क तक, दिल्ली से लेकर लाहौर तक हर 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 पेड़ पर हमारे उल्मा की लाशें लटक रही थी। इसलिए हम कहते हैं कि वो कहिया भी हमारी थी, गुले तर भी हमारे थे, चमन में हर तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे। हदे दिल्ली से लेकर सरहद लाहौर तक साहिल, हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी, बोलो जोर से, डरो मत, ना ही मुझे आवाज नहीं आई, हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी, देखो पूरे पारस में आवाज जाना चाहिए, हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी मारे थे। कोई और नहीं था बेटा, तुम तो अंग्रेजों के गवाह बन रहे थे, उनके संडासा साफ कर रहे थे, उनके जूतियां उठा रहे थे, तुम तो ये कह रहे थे अंग्रेज बाबू माफ कर दो ना, अब कभी तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा नहीं। और ये जो गांधी और ये अबुल कलाम, ये आजाद, ये हुसैन अहमद मदनी, ये जो लड़ रहे हैं, तो तुम तो ये कहते थे मैं इनको पकड़वाऊंगा, बाबू छोड़ दो, क्यों तुम तो जेल में से चिट्ठे लिख रहे थे, क्या कर रहे थे, अरे समझ गए ना भरे इशारा, समझ गए ना, चिट्ठे लिख रहे थे, है ना। और आज हमसे वफादारी का सबूत मांगते हो, हमसे अब्बा से हमसे वफादारी का सबूत मांगते हो, तो मैं उनसे कहता हूं कि तेरे बदन से न तेरी आस्ती से आएगी। शेर सुन लेना पारस वालों, हम तुमसे कहते हैं जो गद्दार हमको वफादारी का सबूत मांगते हैं और अंग्रेजों के दलाल बने हुए थे, तो हम उनसे कहते हैं तेरे बदन से न तेरी आस्ती से आएगी, तेरे बदन से न तेरी आस्ती से आएगी, हम ही शहीद हुए हैं, हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी। और बदल रहे हो जो तारीख तो बदल डालो, हमारे खून की खुशबू जमीन से आएगी। लगाओ नारा यहां पर, नारे तकबीर, जा नारे लगाने वहां नहीं लगाते बावले, क्यों? तो तेरे बदन से न तेरी आस्ती से आएंगी, हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएंगी। बदल रहे हो जो तारीख तो बदल डालो, हमारे खून की खुशबू जमीन से, कहां से आएगी, जमीन से आएंगी बेटा, मिटा नहीं सकता हम, जाली गड्ढा खोदेगा हमारी खुशबू आएंगी। इतना खून हमने इस मुल्क को, अरे बोलो, दिया है। और अगर नहीं पता है तो जंगली दिल्ली गेट पर जा, कहाँ जा, दिल्ली गेट पर जा, और दिल्ली में जो गेट बना हुआ है ना, वहां पर मुजाहिदों के नाम लिखे हुए हैं कि किस किस ने इस मुल्क के लिए खून बहाया। तो बड़े गर्व, बड़े फख्र, बड़ी शान के साथ हम कह सकते हैं कि दूरबीन लगाकर देख बेटा, 70 तक के हमारे ही है। तो ये थोड़ा सा ऐसा डोज भी देना पड़ता भला कभी कभी, नहीं समझा, हाँ, लेकिन चलो आओ। उस वक्त हमारे पुरखों ने, उस वक्त हमारे पूर्वजों ने वो गोरे अंग्रेजों से लड़ा था। आप जुमला सुन लो, यहां से अब मैं आगे दूसरा मौजू बदल लूंगा कि वो गोरे अंग्रेजों से हमारे बाप दादा ने लड़ा था, लेकिन अभी अपनों को काले अंग्रेजों से लड़ना है, नहीं समझा, किससे लड़ना है, काले अंग्रेज। एनआरसी के टाइम में मेरा नारा बहुत मशहूर हुआ था, एनआरसी के टाइम पे मैंने नारा लगाया था, मैंने नारा क्या लगाया था, अब लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे कालों से, अब लड़े थे गोरों से, बाबा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे। तो अब मुल्क को क्या चीज से आजादी दिलाना है, चलो मैं अब बताता हूं कि अभी भी मुल्क को आजादी दिलाना है। इन्होंने अनुमान ही ऐसा रख दिया मुफ्ती साहब, क्या करना, वायर चिपक जाते फिर मेरे
तो सुनो, अब हमको मुल्क को आजादी फिर दिलाना है। कैसे? कैसे? सुनो, हमें आजादी दिलाना है इस वक्त मुल्क को नफरतों से। ये मुल्क नफरतों के बीज इसमें बोए जा रहे हैं। इस वक्त सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये नफरतें फैलाई जा रही है। सुनो, मैं तो हिंदू भाइयों से कहता हूँ, बौद्ध भाइयों से कहता हूँ, जैन भाइयों से कहता हूँ कि आओ, ये आपका मेरा सबका देश है, बचा लो इसे। और कैसे बचाओ? अभी नफरतों से इसको आजादी दिलाओ। नफरतें पनप गई है, जी हाँ, नफरतें बो दी गई है, नफरतों के बीज बो दिए गए हैं। और हर जगह सिर्फ हिंदू मुस्लिम। और याद रखो, हम तो ये कह रहे इन शैतानों से जो सिर्फ कुर्सी की खातिर, जो सिर्फ सत्ता की खातिर, जो सिर्फ हुकूमत की खातिर हिंदू मुसलमानों को लड़वा रहे, हम इन शैतानों से भी कह रहे कि याद रखो, ये तुम्हारी शैतानी हरकत मुल्क को तबाह कर देगी। हमारे उस्ताद मौलाना अरशद बद्दी कहते हैं, सुनो, मौलाना अरशद बद्दी कहते हैं, जवानों, पारस के जवानों सुन लो, पारस के मेरे हिंदू भाइयों भी सुन लो, हमारे उस्ताद कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अभी मुल्क में नफरतों की आग लगी हुई है। तो अरशद बद्दी साहब कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है। अरे बोलो ना, यहां काय की जरूरत है? आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। तो हमारे गुरु अरशद मदनी कहते हैं कि नफरतों की आग लगी हुई है, इस नफरतों की आग को बुझाने के लिए मोहब्बत, अमन, शांतता और एकता की बारिश बरसाओ। क्या करो? काय की बारिश बरसाओ? अमन, शांतता, एकता। शैतान तुम्हें लड़ाएंगे, तुम में नफरतें पैदा करवाएंगे। तुमने अमन की बात करना, एकता की बात करना, प्यार की बात करना, मोहब्बत की बात करना। मुफ्ती साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई, पारस में बड़ा एकता का माहौल है, बड़ी शांतता का माहौल है। मुझे खुशी हुई जब ये बच्चे मुझे चौराहे से नारे लगाकर ला रहे थे, तो दो तीन हिंदू भाइयों ने देखा, मैं गाड़ी में से देख रहा था, तो दो तीन हिंदू भाई टीका लगाए हुए थे, तो उन्होंने भी नारे लगाए खुशी में। तो मैंने कहा ये मेरा पारस है और ये मेरा हिंदुस्तान है। आज मुल्क को इसी की जरूरत है। ओ जवानों, तुमको बहकाया जाएगा, तुमको वरगलाया जाएगा, तुमको गुस्से में लाया जाएगा, तुमको उकसाया जाएगा, और वरगलाकर, उकसाकर, गुस्से में लाकर तुम्हें रोड पर लाया जाएगा, ताकि तुम पत्थर फेंको। क्या फेंको? पत्थर। अच्छा, हम क्या करते? हमारे जवान गुस्से में आए कि क्या फेंकते? पत्थर। और खाते क्या? बोलो जोर से, गोलियां। तो मेरा खानदेशी में डायलॉग मशहूर है, मुसलमान जवानों, पारस के जवानों, तुमको भी समझा के जा रहा हूं, मेरा डायलॉग मशहूर है कि पत्थर फेंक कर गोलियां खाने के बावले चाले बंद करो। क्या माना? पत्थर फेंक कर गोलियां खाने के बावले चाले। अरे जोर से बोलो, अब हम बावले नहीं बनेंगे, अब हमको उकसाया जाएगा, रोड पर लाया जाएगा, हम पत्थर नहीं फेंकेंगे, हम तो बात करेंगे जबान से, और बात करेंगे कलम से, और बात करेंगे कानून से। देखो आप, ऐसा नहीं है कि हर चीज दम तोड़ गई, अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है। लड़ने का तरीका जमहूरी तरीके से लड़ेंगे, कानून के तरीके से लड़ेंगे। और मैं तो हिंदू मुस्लिम, अगर आप अपने इलाके में स्टेज पर हिंदू भाई को भी बुलाते, तो मैं तो इस वक्त पूरे मुल्क में राष्ट्रीय एकता का काम कर रहा हूं। बड़े बड़े पुजारियों के साथ मेरे प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े पुजारियों के साथ। अभी दमन में एक ऐसे पुजारी के साथ में मेरा प्रोग्राम हुआ, पूरा स्टेज बड़े बड़े साधु संतों से भरा हुआ था दमन में। और उस प्रोग्राम का हेड कौन था? वो जिसके मकतब में हजरत मोदी जी की तालीम हुई। समझे आप? मेरे इस्तकबाल में थे वो सब, मुफ्ती साहब।
मेरे इस्तकबाल में थे। अभी 10 फरवरी को मैं तुम्हारे वाशिम में आऊंगा, वाशिम में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो सके तो मोहन जी भागवत सब रहेंगे वहां चीफ गेस्ट हूं मैं। ये क्यों कह रहा हूं? मैं मुल्क में एकता मोहब्बत अमन का शांतता का पैगाम आम कर रहा हूं, क्योंकि हम जमीयत वाले हैं, हम मदरसों वाले हैं, मदरसों से अमन का पैगाम चला है। मदरसों ने इस मुल्क को आजादी दिलाई है, वो इनकलाब जिंदाबाद, और अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारे भी कहां से लगे? मदरसों से। आज मदरसों को कुछ शैतान बदनाम कर रहे। एक्चुअल में इनका टेंशन मत लिया करो, इनका धंधा है। जब तक के वो तुम्हारे हमारे खिलाफ बोलेंगी नहीं, उनको रोजी रोटी अरे बोलो मिलेंगी नहीं। अब वो मदरसों के खिलाफ बोले कि मदरसों में आतंक सिखाया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है, तो मैंने उस वक्त मैंने नारा लगाया कि इस कमीने का मदरसे में एडमिशन कराओ, इसकी खाने की फीस मैं भरूंगा। समझा? तो ये वर्गलाते हैं सिर्फ, इनको भी मालूम है। और अंग्रेज डरते थे किससे? उलमा से। फांसी के फंदे पे कौन चढ़े? बोलो जोर से, उलमा। और आज भी लोगों को डर किससे? बोलो बोलो शर्मावत। हुकूमत को मालूम है कि इनकलाब कौन लाता? उलमा। इंजीनियर साहब नहीं लाते, डॉक्टर साहब अरे बोलो ना यार, नहीं लाते। इसलिए डर किससे? उलमा से है, क्योंकि इनको मालूम है अंग्रेजों को भगाने में फतवा इन्होंने दिए थे। अंग्रेजों को भगाने में फतवा, सुनो बड़ी प्यारी बात याद आ गई, जंगे आजादी का उन्वान छेड़ दिया तुमने। तो क्या करूं यार, बड़ी प्यारी बात याद आ गई कि अंग्रेजों के कदम उखड़ गए थे और भागने पर मजबूर हो गए थे। कब कब कब? जब एक शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने फतवा दे दिया कि अंग्रेजों को मारना सवाब है। क्या फतवा दे दिया? अंग्रेजों को मारना सवाब और मुल्क से भगाना फराज। तो अब अंग्रेज भी समझ गए, अरे बाप रे, ये तो कौम उलमा को बहुत मानती है, अब तो ढूंढ ढूंढ मारे। मैं सादे अंदाज में समझा रहा हूं, समझ रहा, एकदम सादे अंदाज में। तो अंग्रेज भी समझ गए कि ये बाहुली कौम, इनके मौलाना ने अरे बोलो बोल दिया कि अंग्रेजों को यहां से भगाना फर्ज हो गया। तब ये जैसे नमाज जरूरी समझते हैं, रोजे जरूरी समझते हैं, वैसे हमको भगाना और मारना यार। तो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं, इसलिए आज अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, अब आपको नफरत के पुजारियों से इस मुल्क को आजाद करवाना है। नफरत के पुजारियों से जो नफरतें फैला रहे हैं उनसे आजाद करवाना है। और सुनो सुनो, मैं तो नफरत के पुजारियों को राहत इंदौरी का शेर भी सुनाता हूं कि बेटा आग लगाने वाले सुन। राहत इंदौरी ने कहा था ना, मरहूम राहत इंदौरी ने क्या कहा था? राहत इंदौरी ने कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जदमे। क्या कहा था? कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जदमे। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है बेटा, जब आग लगेगी तो तेरा भी घर आएगा। और फिर क्या कहा था राहत इंदौरी ने इन दलालों को जो मुल्क में नफरत फैला रहे? राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल, यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान। अरे बोलो ना यार, शर्मा देंगे, जोर से बोलना, किसी के बाप का हिंदुस्तान। बोलो जोर से, किसी के बाप का हिंदुस्तान, किसी के बाप का हिंदुस्तान। क्या बात है, ये होगी ना बात, हो गया मुल्क आजाद, हो गया मुल्क आजाद। तो सबसे बड़ी जंग हमको नफरतों के खिलाफ लड़नी है, भारत को जोड़ना है। भारत को तोड़ा जा रहा है, नफरतें फैलाई जा रही है, भारत को जोड़ने का काम करो, भारत को जोड़ने का काम करो। बल्कि मैं एक जुमला कह रहा हूं जो किसी ने कहा कि मैं नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। क्या? नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। मुल्क में नफरतें फैल गई
तो तुम मोहब्बत का कारोबार करो, तुम अमन फैलाओ, तुम शांति फैलाओ। अब आखिरी बात बोलकर अगला उन्वान ले लूंगा कि सुनो सुनो, हम नबी के मानने वाले हैं और हमारे नबी ने तो हमको ये कहा है, अमन 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 शांतता की तालीम दी। हमारे नबी ने तो ये कहा है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी, ये सुनो नबी की बात, प्रेषित मोहम्मद की बात, कि अगर तुम्हारा पड़ोसी, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी तकलीफों से परेशान है तो तुम मुसलमान नहीं। अब पड़ोसी में ये नहीं कहा हुजूर ने कि तुम्हारा मुसलमान पड़ोसी, ये नहीं बोला, क्या कहा, सिर्फ बोलो सिर्फ पड़ोसी का। पड़ोसी में रमेश भी हो सकता है, कैलाश भी हो सकता है, गणेश भी हो सकता है, गणपत भी हो सकता है, हारून भी हो सकता है, अब्दुल्ला भी हो सकता है, अब्दुल रहमान भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है। हमारे नबी ने हमको कहा है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी तकलीफों से परेशान है तो तुम मुसलमान नहीं। बताओ किस धर्म में इतनी प्यारी अमन की तालीम दी गई, बताओ। हमारे नबी ने क्या कहा सुनो, हमारे नबी ने एक और जुमला कहा, इरहमु मन फिल अर्ज यरहमुकुम मन फिस समा। हमारे नबी ने कहा, क्या कहा सुनो सुनो सुनो, हमारे नबी ने कहा तुम जमीन वालों पर रहम करो, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हमको हमारे नबी ने सिखाया। तो आज तय कर लो, तय कर लो, ऐसा हाथ उठा के शपथ ले लो, हाथ उठा के शपथ ले लो, पार्लियामेंट में तो गए नहीं कभी, यही ले लो शपथ। चलो हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं, हम अल्लाह से वादा करते हैं, अपने प्यारे गांव पारस में और अपने प्यारे मुल्क भारत में नफरतों को, नफरतों को, दुश्मनियों को फैलने नहीं देंगे, फैलने नहीं देंगे। कितना अच्छा प्रोग्राम हो गया मुफ्ती साहब, सही। चलो आओ अब जरा दूसरों की छोड़ते हैं अपनी करते हैं, समझ गए यार, है ना। क्योंकि अल्लाह ने भी क्या कहा सुनो, ये जो हम परेशान है ना, जुल्म हो रहा, मारे जा रहे, कोई भी आ रहा घंटे के जैसा बजा के जा रहा, तो क्यों बजा रहा नहीं समझा। मुफ्ती साहब कसम खुदा की बोलने की जरा भी ताकत नहीं, लेकिन जब उसने खोल दिया कि तुझे बोलना है तो बोल, के सुनो क्यों जुल्म हो रहा, ईमान वाले क्यों परेशान हो रहे, ईमान वालों पे हालात क्यों आ रहे, ईमान वाला मार क्यों खा रहा, ईमान वालों की मॉब लिंचिंग क्यों हो रही, ईमान वाला दुश्मनी का नफरतों का शिकार क्यों हो रहा। तो सुनो अल्लाह ने भी कहा, क्या कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ने भी कहा कि मैं किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक के वो कौम खुद अपनी हालत को बदलना न चाहे। आज हमको अपनी हालत भी बदलना होगी। मेरा मशहूर शेर है, मैं अक्सर कहता हूँ मौलवी अहमद साहब, वो मेरा मशहूर शेर है, मैं अक्सर कहता हूं कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। तो अब हमको हालात को बदलना है। आओ, ये कितने हट्टे कट्टे जवान खड़े हैं, मेरे जवानों, जवानों ने मेरा प्रोग्राम सजाया, यहां के उलमा ने बड़ी मेहनतों से यह प्रोग्राम सजाया। मौलाना जरा इधर ध्यान दे दे, ये जवान जितने खड़े हैं, जवानों तुमको मुबारकबाद देता हूं, उलमा इकराम को मुबारकबाद देता हूं, ये तुमने बड़ा शानदार प्रोग्राम सजाया। अगर एक भी बात किसी के दिल में उतर गई तो इस पर अल्लाह तुमको क्या सवाब देगा, हमारे पास भी अल्फाज नहीं है। हाँ, वो कुरान की आयत पढ़ा मैंने,
فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى। اللہ یہ کہتا ہے او میرے بندے او میری بندی اگر ذرہ برابر رتی برابر نیکی کا کام کیا تو اس کے ثواب کو اس کے اجر کو اس کے انعام کو تو اپنے آنکھوں سے دیکھے گا اور میں تیری نگاہوں کے سامنے اس اچھے کام کے انعام کو لاؤں گا۔ جوانوں تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کیا کیا تھا، تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کیا کیا تھا، لیکن حشر کے میدان میں اللہ یاد دلائیں گا، اللہ یاد دلائیں گا۔ کیا یاد دلائیں گا؟ اللہ یاد دلائیں گا کہ پارس کے جوانوں، پارس کے جوانوں دیکھو تم نے علماء کو بلایا تھا، ایک دین کا پروگرام سجایا تھا، یہ لو اس پر یہ انعام ہے۔ کتنی پیاری پیاری باتیں مفتی حنیف صاحب نے کہی۔ اب میں میرے اسٹائل میں بھی رکھ دیتا ہوں، یہ جوان کھڑے ہیں، کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی حصہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ جوانوں کا ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی حصہ جوان ہوتے ہیں۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میری قوم کے یہ جوان الگ الگ قسم کے نشہ کر کے تباہ ہو رہے ہیں، الگ الگ قسم کے، الگ الگ قسم کے نشہ کر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ جوان مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، لیکن یہ الگ الگ قسم کے نشہ کر کے اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ اور سنو سنو جیسے اللہ نے کہا، کیا کہا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے کہا، سنو سنو سنو، ہمارے رب نے کہا، ہمارے مالک نے کہا کہ یہ شراب، یہ نشہ، یہ جوا، یہ سب شیطان کے کام ہیں، ناپاک کام ہیں، فاجتنبو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا۔ اب نشہ، نبی نے کہا کہ نشہ، سنو سنو بڑی عجیب الفاظ، نبی نے کہا کہ شراب نشہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ یعنی کیا؟ نشہ کرے گا تو تمام گناہ کرنا آسان، نشہ کرے گا ماں کو گالی دینا آسان، نشہ کرے گا باپ کو دھکے مارنا آسان، نشہ کرے گا بیوی کو ظلم کرنا آسان، نشہ کرے گا بیوی کو طلاق دینا آسان، نشہ کرے گا ماں باپ کو لات مارنا آسان، نشہ کرے گا زنا کرنا آسان، نشہ کرے گا مرڈر کرنا آسان، نشہ کرے گا کرائم جرائم کرنا آسان۔ ابھی ہندوستان کی رپورٹ آئی ہے کہ ہندوستان میں جتنے بڑے بڑے جرائم اور کرائم ہو رہے ہیں اس کی وجہ نشہ ہے۔ 80% بڑے بڑے جرم نشے کی حالت میں ہو رہے ہیں، نشے کی حالت۔ ابھی آپ دیکھو کہ دلی میں 12 کلومیٹر تک میری ایک ہندو بہن کو گاڑی سے گھسیٹا گیا۔ پتہ چلا کہ سارے جوان کیا تھے؟ ارے بولو نشے۔ یہ 31 دسمبر آیا تھا، 31st night، عجیب ہے، ہیپی نیو ایئر، وارے انگریز کے پیٹ کے، وہ تیرا ہے ہی نہیں ہے، وہ تیرا ہیپی نیو ایئر ہے ہی۔ میں نے ہندوؤں سے کہا، مولانا 30 تاریخ کو میرا بیان تھا، تو میں نے کہا عجیب بات ہے، ہندو بھی تھے میرے مجمع میں، تو میں نے کہا کہ عجیب بات ہے، ہیپی نیو ایئر جس دن مناتے ہیں تو مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا، ہندوؤں کا نیا سال گڑی پاڑوا سے شروع ہوتا، مسلمانوں کا نیا سال کہاں سے؟ محرم۔ ہندوؤں کا بولو نا، گڑی پاڑوا۔ تو میں نے ہندوؤں سے کہا کہ عجیب بات ہے، ہمارا شروع ہو رہا محرم سے، تمہارا شروع ہو رہا گڑی پاڑوا سے، اور دونوں مل کے باولے منا رہے تیسرے کا۔ ارے بھائی صحیح ہے نا۔ اچھا کس کا منا رہے؟ جن کو ہمارے باپ دادا نے بڑی لاتا بک کے مار کے یہاں سے بھگائے، ان کا منا رہے۔ 31 دسمبر کی رات کو، سن لو، سروے آیا، سروے، 31 دسمبر کی رات کو سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر شراب بکتی ہے تو اس ایک رات میں بکتی ہے، سب سے زیادہ زنا ہوتے ہیں تو اس ایک رات میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہے تو اس ایک رات میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ شراب شباب زنا خوری حرام خوری گناہ کے کام اس ایک رات میں ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تو مسلمان جوانوں سے کہا تھا کہ 31 دسمبر کو باہر مت نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔
दमन गया मुफ्ती साहब ने, दमन, दमन में समंदर का किनारा है, समंदर का किनारा, तो वहां पर दमन में शराब आम है, वहां साइकिल की दुकान पर भी शराब मिलेगी, कपड़े की दुकान पर भी शराब मिलेगी, पान टपरी पर भी शराब मिलेगी, किराना दुकान पर भी शराब मिलेगी। अब वो समंदर का किनारा है तो सूरत वाले, वापी वाले, वलसाड वाले, गुजरात के दूसरे लोग वहां आकर 31 दिसंबर मनाते हैं। सुनो पारस की मेरी बहनों, मेरी जवानों, सुनो, मैंने वहां पर ये कहा, दमन में 3 साल पहले मेरा प्रोग्राम था कि तुम ये समंदर के किनारे जिना कर रहे हो, शराब पी रहे हो, अरे नालायकों, पढ़े लिखे जाहिलो, ये समंदर की मौजें उस रब के हाथ में हैं। अगर उसने सिर्फ इशारा भी कर दिया मौजों को कि थोड़ा आगे निकल जाओ तो तबाह हो जाओगे। भाई सुनामी आई थी नहीं इससे पहले? अरे आया ना इससे पहले अजाब समंदर का, तो उसके हाथ में। अब मैं आपसे कहता हूं, ओ प्यारे जवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो। शैतान ने क्या किया, हमारे जवानों को नशे में लगा दिया। और एक बात सुन लो, नशा सिर्फ वो नहीं है, इधर देखो, नशा सिर्फ वो नहीं है जो बोतल में, हमारे दिमाग में क्या वो है, नशा वही है जो कायम है बोतल में, और बावले बोलते भी नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल बोतल नहीं नाश्ती, तू नाश्ता, और नाश्ते नाश्ते नाले के किनारे तू पड़े रहता, बोतल वही रहती, बोतल कहाँ रहती, वही रहती नाले के किनारे, अरे बोलो, तू पड़े रहता। अच्छा, जब तू पड़े रहता, अल्लाह ने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे प्यारी मखलूक, और तू शराब पीकर नाली के किनारे पड़े रहता, तो हर गुजरने वाला इंसान तुझ पर थूकता है, तुझको देखकर बेवड़ा बोलता है, शराबी बोलता है, किसी को रहम नहीं आता तुझ पर, क्योंकि तूने शराब पिया है, नशा किया है। और फिर क्या होता, हाँ, किसी इंसान को रहम नहीं आता, मगर एक मखलूक ऐसी है जो शराबी से प्यार करती है, और जैसे ही अगर कोई उसको ऐसा पड़ा हुआ दिखा तो अल्लाह की वो मखलूक पानी पिलाने का काम करती है। आगे जाने, अरे बोलो ना भाई, वो मखलूक बोलती, क्या कमीने लोग हैं, ये बेचारा रात भर से नाली के किनारे पड़ा है, कोई इसको पानी पिलाने को भी तैयार नहीं है, चलो मेरे पास जो पानी है मैं पिला देता हूं। अरे कुछ समझे? कितना बुरा हाल अपना कर रहे हैं। अच्छा चलो अब आ जाओ, नशा वो ही नहीं है जो सिर्फ बोतल में है, नशा वो भी है जो कुड़ी में, नशा वो भी है जो कुड़ी में, नशा वो भी है जो गोवा में, नशा वो भी है जो माणिकचंद में, नशा वो भी है जो पान में है, नशा वो भी है जो बीड़ी में है, नशा वो भी है जो सिगरेट में है, और नशा वो भी है जो तू पान टपरी पर जाकर बोलता 300 120 डाल। क्या डाल? अच्छा एक बात बताओ, 300 120 कितने हुए, कितने हुए, 420। तो उसका सीधा सीधा बोलना टपरी वाले को, 420 आया, 420 डाल। नशा वो भी है, पूड़ी खा के मुफ्ती असलम साहब, ये हमारे जवान पूड़ी खाकर तबाह हो गए, कैंसर हो गया। आओ, मैंने 3 महीने पहले नशे के खिलाफ मुहिम शुरू किया, मेरे शहर में मुफ्ती साहब 7 बड़े बड़े शराब के अड्डे बंद करवाया, शराबी बेवड़े और जिनके ठेके हैं करोड़ों रुपए के, वो मेरा मर्डर करने के लिए आ गए, डरा नहीं मैं। मैंने बोला अगर मेरी मौत तुम बेवड़ों के हाथ से लिखी है तो ऐसी आएगी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ऐसा हमला हुआ मेरे पर, इतना खतरनाक हमला हुआ, क्या बताऊं आपको अल्फाज में, डेंजर, आपको बताया शायद, बताया, खतरनाक हमला हुआ। लेकिन मैं पारस भी घूम रहा हूं, गुजरात भी घूम रहा हूं, उड़ीसा भी जा रहा हूं, बंगाल भी जा रहा हूं, बिहार भी जा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है, मेरा मानना है कि जब मौत लिखी है तभी आएंगी, और इनके हाथ से नहीं लिखी है तो खराज भी नहीं आएंगी, और फर्क भी क्या पड़ता है, इनके हाथ से आ गई तो सीधा बगैर स्पीड ब्रेकर नो टोल टैक्स सीधी जन्नत।
अरे बोला तो ये बातें नहीं करना पड़ता सर, ये समझ गया इशारा। अरे बोला ना भाई, ईमान की बात तो ऐसा करते, अरे बाप रे कितना पक्का ईमान वाला है, लेकिन सिर्फ बाता मुखाए लाता, क्यों मुकरे बाता नहीं। नशे के खिलाफ मैंने मुहिम चलाया मुफ्ती साहब, कलेक्टर साहब ने मेरा साथ दिए, मोहतरम अभिजीत राउत साहब ने, मेरे दोस्त कलेक्टर साहब ने मेरा जबरदस्त साथ दिया, मेरे दोस्त एसपी साहब प्रवीण मुंडे जी मेरा जबरदस्त साथ दिया, और मैंने फिर शराब खानों के खिलाफ मुहिम चलाया, क्योंकि मेरी तमन्ना थी, क्योंकि शराब शराब से जवान तबाह हो रहे हैं, गुटखों से तबाह हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, ऐसे मुंह काटे जा रहे हैं, जबानें काटी जा रही, जबड़े काटे जा रहे हैं। मेरे साथ एक जवान घूम रहा है मुफ्ती साहब, उसका नाम है राज मोहम्मद, उसका पूरा जबड़ा काट दिया गया, कैंसर हुआ था। तो मैं मेरे साथ में आ गया, कहा कि मुफ्ती साहब मैं भी आपके साथ में चला करूंगा, जहां भी नशे के बारे में प्रोग्राम होगा मैं लोगों को बताऊंगा, ये मेरा मुंह मैं बताऊंगा कि देखो राज मोहम्मद कितना खूबसूरत जवान था, और आज उसका चेहरा देखने के लायक नहीं है। जवानों को कैंसर हो रहा मुफ्ती साहब, आओ मेरे साथ, मेरे साथ आओ, मैं कैंसर हॉस्पिटल में जाता हूं, मैं तुमको दिखाऊंगा, रूह कांप जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना खतरनाक कैंसर हो रहा है। अच्छा खुद खरीद रहे हैं कैंसर, पूरा खा रहे हैं, मुंह नहीं खुल रहा, मुंह नहीं खुल रहा। मेरी आदत है मैं थोड़ा जोर से सलाम करता हूं, तो मैंने सलाम किया अभी दो लड़कों को, और सलाम अलैकुम, तो वो बच्चों ने जवाब कैसे दिया, मतलब क्यों रह गया, क्या हो गया, समझिए क्यों, मतलब क्यों भाई ऐसा क्यों, तो बोले मुंह नहीं खुल रहा, मतलब पहले तो बहुत खुलता था, काहे से बोलो शर्मा मत, काहे से पुड़िया मानी चान गुटका पुड़िया, मुंह नहीं खुल रहा, कैंसर हो रहे। अच्छा अंदर से भी खोखले हुए मुफ्ती साहब, मैंने बिल्किस बानो का जब पहला धरना हिंदुस्तान में बिल्किस बानो के लिए मैंने निकाला, अब उस वक्त 50-60 जवान मेरे साथ थे, मुफ्ती साहब अजीब चीज मेरे पीछे नारा लगा रहे, मुफ्ती साहब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने देखा तो एकदम सब ऐसी पूरे पुड़े वाले, तो मैंने कहा तुम्हारे भरोसे पे क्या बढ़ना रे आगे, तुम्हारे भरोसे पे क्या आगे बढ़ना, क्योंकि तूने पूरा खा के पूरा अंदर से खोखला हो गया, ऐसा बजाओ मारो तो ढप 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 बजा, कुछ ही नहीं बचा। ओ यार हंसते हंसते बहुत बड़ी बात समझा रहा मुफ्ती साहब, मौलाना साहब 300-400 कमा रहे और 200 की पुड़िया खा रहे, 200 की पुड़िया खा रहे, अरे 200 बचाएगा तो खुद अच्छा खाएगा और घर में अपनी बीवी बच्चों को अच्छे से खिलाएगा और अपने बीवी बच्चों की अच्छी तालीम का इंतजाम करेगा। नशे के खिलाफ पारस के जमानों मुहिम चलाओ। अच्छा हुकूमत जो है ना बड़ी मक्कार है, बोला देखो जब कोरोना लगा था, कोरोना और पहला लॉकडाउन जब खुला, पहला जब खुला तो पहले मंदिर नहीं खुले, मस्जिद जोर से बोलो नहीं खुली, स्कूल नहीं खुले, मदरसे नहीं खुले, जब पहला लॉकडाउन खुला मौलाना तो पहले शराब खाने खोली हुकूमत ने, तो बेड़ों को क्या लगा, अरे बाप क्या कदर है भाई अपनी, बेड़ों को क्या लगा, अरे वाह मंदिर नहीं खुले मस्जिद नहीं खुले, मगर खुले तो क्या मैं खाने खुले है ना, मैं खाने खुले और ये पैखाने वहां जा रहा, तो वो बेड़ो तुम्हारी कदर नहीं हुकूमत के पास, हुकूमत ने पहले लॉकडाउन में शराब खाने इसलिए खोली कि हुकूमत को भी मालूम था पैसा बेड़ों से आएगा, पैसा किससे आएगा, कमाई किससे होगी, शराब खाने से। तो अब हुकूमत क्या करती कि वो लिखवा देती कंपनी वाले को, बोल देती भाई तू इतना लिख दे ना यार पुड़ी पर सिगरेट के बॉक्स पर, तू सिर्फ इतना लिख दे हानिकारक है सेहत के लिए नुकसानदेह है, तू इतना लिख दे और बेच, क्यों नहीं यार
मैं मेरे हिंदू जवानों से कहूंगा, मैं मेरे मुस्लिम जवानों से कहूंगा कि ये जवानी बड़ी कीमती है, खुदा के वास्ते इसको अलग अलग किस्म के नशे में तबाह और बर्बाद मत करो। चलो आओ अब आखिरी बार, चलो आओ एक और नशा है जो मोबाइल का नशा है। तबाह हो गई नस्ल। मुफ्ती साहब, छोटे छोटे गांव में भी रात के एक एक दो दो बजे तक हमारे बच्चे मोबाइल पर लगे हुए हैं। और कंपनी क्या कर रही, सुनो जवानों, कंपनी बदमाश है। कंपनी क्या कर रही, 2 GB डाटा फ्री। क्या फ्री? 2 GB डाटा। तो जब 2 GB डाटा का ऐलान की कंपनी ने, तो मैंने भी नारा लगाया, 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा। क्या दे? आटा। अच्छा सर बताओ, डाटा खाएगा कि आटा? अरे बोलो ना। लेकिन आटा नहीं दे रहा, दे रहा क्या? डाटा। डाटा ले तबाह हो। बैठे हैं मुस्लिम जवान भी एक एक दो दो बजे रात तक। और इस मोबाइल ने क्या किया कि जिना को आम कर दिया, हरामकारी को आम कर दिया और हर किस्म के गुनाह को आम कर दिया। आज ये हमारे बड़े बेटे हैं, एक जमाना था, इन बड़ों से पूछो, एक जमाना था कि नाच गाना देखने के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता था। अब शैतान ने क्या किया कि नाच गाना बाहर देखने की जरूरत नहीं, सारा नंगापन 2x2 इंच के स्क्रीन पर मोबाइल की शक्ल में हथेली में मौजूद है। बस खोला उसने www.amerikakenange.com, आ गए दुनिया के सारे नंगे, तबाह हो रहा है। अच्छा मोबाइल ने क्या हाल किया मौलाना? बहने मेरी सुन रही ना, बात को सुनो। ओ मेरी बहनों, मोबाइल ने क्या किया कि मेरी बहनों से मैं ये कह रहा हूं जुमला खासतौर से कि मेरी बहनों, तुमने छोटे छोटे मासूम बच्चों को मोबाइल की लत तुमने लगाई। बच्चा रो रहा, माँ दे दे रही मोबाइल। मैं घर में गया मुफ्ती साहब, 6 महीने का बच्चा, मेरे रिश्तेदार का करता हूं, बहुत होगा। मैंने एकदम परेशान होकर उसकी माँ से कहा, ओ मेरी माँ, इसको बिठाना खामोश। तो उसने हंसते हंसते कहा, मुफ्ती साहब अभी बैठ जाएगा। क्या बोली? अभी बैठ जाएगा। उसने सीधा मोबाइल निकाली, कोई तो भी गाना लगाई म्यूजिक और उसको दे दी। ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। ओ मेरी बहनों, तुम मासूम बच्चों को बचपन से मोबाइल के नशे की आदत डाल रहे हो। अभी 2 महीना पहले मेरे चैनल पर मैंने खबर सुनाया मैंने, क्या खबर कि आज मुफ्ती साहब ये मासूम बच्चे मोबाइल के इतने आदि हो गए कि 2 महीने पहले हमारे मुल्क की खबर आई कि 1 13 साल का लड़का और 1 15 साल की लड़की, माँ ने मोबाइल नहीं दिया तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग के 7वें ताल से छलांग लगा ली, मर गए। मोबाइल का नशा है ये, बच्चे नहीं मान रहे। अच्छा क्या किया इन शैतानों ने कि पहले बच्चे बाहर निकलकर खेलते थे तो उनको जिस्म उनका बनता था, अब वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, कबड्डी नहीं खेल रहे, मौज मस्ती नहीं कर रहे, अब वो मोबाइल पर लूडो। क्या खेल रहे? लूडो, फ्री फायर गेम खेल रहे। अच्छा वही मार रहा डिशुम और खुश हो रहा, मार रहा का वही मार रहा। अभी तो खैर एंड्रॉइड मोबाइल आया, पहले क्या था वो जो छोटे छोटे मोबाइल थे नोकिया के, तो पहले वो सांप का गेम आता था। खुश, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की लत लग गई है। अच्छा और क्या आ रहा मालूम आपको? अब जो जुमला कह रहा हूं वो सुनो, क्या होगा मुफ्ती साहब कि ये छोटे बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, मारा पीटी, और फिर उनके दिमाग पर उसका इतना असर हो रहा कि ये माँ बाप को भी लाते मार रहे हैं, माँ बाप को भी लाते मार रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ओ मेरी बहनों, कई बहनें आती है हमारे पास। एक औरत आई मेरे पास, मुफ्ती साहब मेरा बच्चा बड़ा नालायक हो गया, पहले
गालियां देता था, अब लाते भी मार रहा, बुक्के भी मार रहा, लाते भी मार रहा। तो मैंने दो चीजें उससे कहा, गौर से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने दो चीजें उससे कहा, खाला इसका नाम क्या रखी? तोले सलमान। क्या रखी? सलमान। फिर उसने एक शिकायत मुझे सुनाई, मुफ्ती साहब ये 15 साल का हो गया और नालायक कुर्ता नहीं पहन रहा। मैंने कहा खाला क्या नाम रखी? तो बोले सलमान। मैंने खाला नहीं पहनेगा हूं। नहीं समझे, सलमान रखी ना तूने ना, वो कमीना कुर्ता। अरे कुछ समझे, तो तूने जैसा नाम रखी उसके असरात वैसे आएंगे। अगर तूने नबी के आशिक हजरत सलमान को जहन में रखकर नाम रखती तो वो असरात आते, वो पाकिजगी आती। और तूने ये दो कौड़ी के नाचने वालों को जहन में रखकर नाम रखा तो उसके असरात आए, उसके असरात आए, है ना। फिर कहा कि मुफ्ती साहब लाते मारता, तो मैंने याद दिलाया, औरतें भी सुन रही इसलिए मैं जानबूझ के ये कह रहा हूं, लात मारता है मेरा बच्चा, लाते मारता है, फैटिंग करता है मेरे साथ। तो मैंने कहा खाला जरा याद कर, जब ये दूध पीता होगा, तेरी गोद में होगा और ये दूध पीने की उम्र होगी और दूध पीता होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा कि तू टीवी देखती होगी और उस वक्त टीवी पे फैटिंग चलती होगी। आ रहा दिमाग में? आ रहा। तो वो जो दूध पीते वक्त के असरात आ रहे ना, क्योंकि हमारे इस्लाम ने तो हमको यहां तक सिखा दिया है कि दूध पीते बच्चे पर भी असरात होते हैं, उनके सामने भी माँ बाप को कहा कि कोई गलत काम मत करना। माँ बाप से कहा, हमारी बहनें सुन रही है, सुन लो, बहनें क्या सोचती है? अभी तो दूध पीता है, अभी इसको क्या समझेगा? नहीं, अरे इस्लाम ने तो बचपन से उसकी तालीम और तरबियत की फिक्र की। और सुनो, दुनिया का कोई धर्म नहीं है, इस्लाम को तो, इस्लाम के मानने वालों को कह दिया गया कि अगर बेटी पैदा हुई या बेटा पैदा हुआ तो सबसे पहले उसके कान में फूंक दे अल्लाह अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हमको तो सिखाया गया ऐसी तरबियत करो, ये है ना, ये जो अल्लाह वाले थे। सुनो मेरी बहनों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा जरदरी बख्श दूले रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा हसन शिराजी, हजरत ख्वाजा हुसैन शिराजी, हजरत ख्वाजा उमर शिराजी, हजरत ख्वाजा सादुद्दीन शिराजी, ये तमाम बुजुर्गों की तारीख आप पढ़ो, इनकी माओ के बारे में मिलता है कि इनकी माओ ने, ये वली ऐसे नहीं बने, ये नेक ऐसे नहीं बने, इनकी माओ ने इनको बगैर वजू के दूध भी नहीं पिलाया था। जब जाके ये नेक औलाद पैदा हुई, आज तुम मोबाइल देखते देखते, आज तुम मोबाइल देखते देखते बच्चों को दूध पिला रही, आज तुम गाने देखते देखते बच्चों को दूध पिला रही हो, आज तुम फिल्में देखते देखते बच्चों को दूध पिला रही हो, तो फिर उम्मीद मत करना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुनिया में भी किसी काम की होगी। इसलिए आखिरी बात कि नेकियों को फैलाओ। और जैसे मुफ्ती साहब में आ रहा था तो मैंने मुफ्ती साहब के अल्फाज जब उनका बयान सुनू तो मैंने कान में वो अल्फाज पढ़े, मुफ्ती साहब ने आपसे कहा कि अपनी औलाद को हलाल खिलाओ और खुद हलाल खाओ। अभी चितौड़ा में बोला था ना, मुफ्ती साहब चितौड़ा में, कि अपनी औलाद के, ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, ये औलाद खुदा का बहुत बड़ा इनाम है, ये औलाद खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी औलाद की सही तरबियत करो, और सही तरबियत का एक अंदाज तो यह है कि उनके हलक में ब्याज का पैसा जाने मत दो, सूद का पैसा जाने मत दो, सट्टे का पैसा जाने मत दो, हराम का पैसा जाने मत दो, रिश्वत का पैसा उनके हलक में जाने मत दो। अपनी औलाद को हलाल खिलाओ, अपनी औलाद के हलक में हलाल लुक में डालो, फिर देखो ये औलाद तुम्हारी दुनिया और आखिरत की निजात का, कामयाबी का, सुकून का, चैन का, अमन का जरिया बनेगी। औलाद को हलाल खिलाओ। आज क्या हो रहा यहां है कि नहीं, नहीं मालूम, बचत गठ इधर भी है, बचत गठ, ये नालायक क्या कर रहे हैं? बचत गठ के नाम पर औरतों को पैसा दे रहे हैं, बहन लारी 25, बीवी लारी 50, माँ लारी 25। ये नंदी बैल खुश हो रहा, 1 लाख आ गए, ये नंदी बैल खुश हो रहा, 1 लाख आ गए। वो सूद का पैसा है, और वो सूद है, और कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है
कि हराम माल ईमान वालों सुनो, नबी ने कहा कयामत के निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हराम माल तुम्हारे हलक में उतरेगा और तुम्हारी जिंदगियों की बरकतें सुकून खत्म हो जाएगा। अपनी औलाद को हलाल खिलाओ, हराम उनके हलक में मत उतरने दो। सत्ता ब्याज और सूद बिल्कुल अपने आप को बचा। आज क्या ऐसा हो गया मुफ्ती साहब, सूद लेने को कुछ भी नहीं समझ रहे। अच्छा शैतानों को मालूम है, सुनो ये शैतानों को मालूम है, इनको मालूम है, तुमको नहीं मालूम होगा। इनको मालूम है कि तुम्हारे नबी ने ये कहा है कि हराम का लुकमा एक भी हलक में उतरता है तो 40 दिन तक नमाजें और दुआएं कबूल नहीं होती। उनको मालूम है और वो तुम्हारे हलक में हराम का लुकमा उतार रहे हैं, क्यों? और हम खुश हो रहे हैं। अभी देखो सूद कितना आम हो गया मुफ्ती साहब, मोबाइल पर भी ब्याज आ रहा। आपका बैलेंस खत्म हो गया, सुनो सुनो, आपका बैलेंस खत्म हो गया तो आपको मैसेज आता, मैसेज भी कॉल भी आता कि आपका बैलेंस खत्म हो रहा है, अगर आप चाहें तो आपको 10 रुपए कर्ज दे दिए जाएंगे। तो क्या मामू के पैसे हो? 10 रुपए कर्ज दे दिए जाएंगे। अब ये तो कुछ हो जाएगा, अरे बाप फ्री में आ रहे 10 रुपए? नहीं, 10 रुपए आपने मांगा तो आपको बैलेंस आएगा 7 रुपए का, समझे आप? बैलेंस कितने का आएगा? 7 का, वो 3 काय के है? अरे बोलो ना, ब्याज। यानी आपको ब्याज में मुलव्वस किया जा रहा है। खूब उठा रहे जवान, मोबाइल मोबाइल भी लोन पर उठा रहे मौलाना, मोबाइल लोन पर उठा रहे, मोटरसाइकिल लोन पर उठा रहे, गाड़ियां लोन पर उठा रहे। अरे भाई अगर 25,000 तेरे पास में है तो क्यों उठा रहा है 1,00,000 की गाड़ी? 25,000 में सेकंड गाड़ी ले, 5 साल चला, फेंक उसको, मगर ब्याज में मुलव्वस मत हो। तो बताओ जरा जोर से हाथ उठाकर कि हम अपनी औलाद को हराम कमाई से बचाएंगे। कहो ऐसा हाथ उठाकर, माशाल्लाह। और अपने आप को हर किस्म के नशा से बचाएंगे। अब आखिरी पैगाम सुन लो, ये जो अल्लाह वाले लेटे हुए हैं ना, अल्लाह वाले जगह जगह, जैसे जैसे बालापुर में बार बार लिख रहे कव्वाली पढ़ो। मैं कोई कव्वाल लिख रहा तुमको, लेकिन हूं कव्वाल भी हूं बगैर म्यूजिक का, लेकिन कव्वाली के 1,00,000 लगते हैं और कव्वाली में ऐसे चलता। तो खैर चलो आओ, अब आखिरी बात अब कव्वाली सुनाकर दुआ शुरू हो जाएगी कि देखो ये जो अल्लाह वाले आए हैं। मैं चितौड़ा में गया, चितौड़ा में एक अल्लाह वाले की मजार है, बालापुर में खानकाह नक्शबंदिया है, कई अल्लाह वालों की मजारें हैं, औरंगाबाद में, जलगांव में, नंदुरबार में, दिल्ली में और कलियर में, साबिर कलियरी, ये तमाम अल्लाह वाले। ओ पारस के भाइयों, ओ पारस के जवानों, ये अल्लाह वाले भी आए तो इन्होंने इस्लाहे मुआशरा का काम किया, समाज सुधार का काम किया, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का काम किया, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने का काम किया। आज इन्हीं की मेहनतों का नतीजा है कि ये 35 करोड़ इस मुल्क में ईमान की शमे रोशन है। आधार कार्ड के हिसाब से, आधार कार्ड के हिसाब से अपन 35 करोड़ है। काय के हिसाब से? इलीगल कितने क्या मालूम। और अल्लाह का शुक्र है हर घर में 5-6 खेल रहे हैं, खेल रहे ना भाई, और इसी से हुकूमत, अरे बोलो ना, परेशान है ना। अच्छा कमाल की बात है, वो परेशान है जो एक भी पैदा नहीं कर पाते, समझ रहे इशारा। तो हम बोलते हमने तेको कहा रोका, करके तो दिखाए, नहीं समझा, तेरी जलरी कही दुखरी कही तो दिखा रहा कही, क्योंकि तू एक के मिलाए, अरे बोलो नहीं। अरे आबादी बढ़ेगी हमारी तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेंगे और हमारे बच्चे फौज में जाएंगे, कहो इंशाल्लाह। हमारे बच्चे बॉर्डर पर जाएंगे, कहो इंशाल्लाह। हमारे बच्चे मुल्क की हिफाजत करेंगे, कहो इंशाल्लाह। तो खैर आओ, ये जो अल्लाह वाले आए ना, ये यही काम करने आए थे कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना, अल्लाह के बंदों को नेकियों का हुक्म करना, अल्लाह के बंदों को बुराइयों से, अरे बोलो, रोकना। तो मेरे ख्वाजा भी यहां पर आए हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा भी आए और मेरे ख्वाजा को उस वक्त की हुकूमत ने रोकने का काम करी, लेकिन कामयाब नहीं हुई।
क्यों? अभी जब एनआरसी के टाइम में हुकूमत चिल्ला रही थी, कुछ लोग चिल्ला रहे थे मुसलमानों को जाओ जाओ, तो उस वक्त मैंने कहा था हम ख्वाजा के बसाए हुए हैं, ख्वाजा के ऊंट बैठ गए तो उस वक्त की हुकूमत मेरे ख्वाजा के ऊंटों को उठा नहीं पाई, तो हम तो बसाए ले क्या है बसाए ले। अरे बोलो हम क्या है? तो मैंने कहा ख्वाजा के बसाए ले और हम कहते हैं मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। किसका हिंदुस्तान? जोर से बोलो, ख्वाजा वाले भी घरे नहीं तुम लोग, बोलो किसका हिंदुस्तान? मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। कुर्सी पर, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। कहो जोर से सुभान अल्लाह। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, तो कोई भी उठा पाएगा। और मेरे ख्वाजा आए हिंदुस्तान तो हुकूमत ने कोशिश की, हुकूमत हार गई तो फिर जादूगर जयपाल को भेजी कि जा भाई तू ट्राई मार। क्या कर? तू ट्राई मार। तो आकर जयपाल भी कदमों में आकर गिर गया। तो वो कव्वाली मैं सुनाता हूं। दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर। नहीं नहीं यहाँ यहाँ बटन नहीं, सेल नहीं गया, सेल नहीं। बटन को हाथ लगाए। हाँ हेलो बोला, हेलो इसको चालू कर, दूसरे को चालू कर, हेलो ये है, हेलो हेलो। दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, कौन बना था बोलो? अभी जयपाल दूसरा है, समझे समझे है। दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर, तो फरमाया ख्वाजा ने क्या कहा? रुक जाना तू वहीं पे जो जा जादू बला का है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ घर खुदा का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया, ये तो अल्लाह का करम है। बोलो तुम से करम किसका? अब कव्वाल बावला इसका मतलब मैं थोड़ी बावला, ये तो अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है। और पारस वालों अल्लाह वालों से जुड़ो, उनके कदमों में बैठो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, उनके कदमों में बैठोगे तो फिर उनकी सोहबत भी रंग दिखाती है, है ना। शेख जुल्फकार नक्शबंदी ने पीर साहब ने क्या कहा? पीर साहब ने कहा, हमारे पीर साहब ने कहा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो अल्लाह वालों से जुड़ो, जैसे किसी ने कहा ना, अल्लाह से मिलवा जाती है, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। जुड़ो अल्लाह वालों से, उनसे निस्बत, उनसे रिश्ता जोड़ो,
गिनती हो जाओगे। मैं भी एक दुनियादार था, मैं भी एक प्रोफेसर था, मैं सिर्फ डॉक्टरों को पढ़ाता था, मैं सियासत के मैदान में खेलता था, लेकिन जिस दिन से मैंने भी किसी अल्लाह वाले के कदमों में बैठा, मैं भी किसी से निस्बत हुई, मेरा भी ताल्लुक किसी से हुआ, तो अल्लाह ने उस निस्बत के जरिए से दुनिया में रोशन कर दिया। तो वही कव्वाली में शायर ने आगे क्या कहा, कव्वाली ने, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से। कह दो सुभान अल्लाह। बेटा कव्वाल भी इतना अच्छा नहीं पढ़ता, समझ रहा, और वो तो उल्टा गुना में डाल के जाता है ना, क्योंकि आजकल ये कौम संदल को भी जा रही। अरे काय का संदल भावलो, अल्लाह वालों से जुड़ो और ओरिजिनल जुड़ो। छपरी चाले, छपरी चाले मत करो, भावले चाले। अल्लाह वालों ने जो सिखाया उस पर अमल करो तो फिर कीमती बन जाओगे। देखो अब मेरा जुमला सुनो, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से। खाजा निस्बत हुई, मैं चिश्ती हूँ, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से। दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से। जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था, जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये तो अल्लाह का, बोलो जोर से, ये तो पूरा मजमा, ये तो अल्लाह का करम, पूरा मजमा बोलो, ये तो अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है। मुफ्ती साहब मेरी कव्वाली इतनी मशहूर हुई कि मैं कल वलसाड़ में गया था, कल गुजरात में था मैं, तो वहां हमारे रियाज भाई है, उनका नवासा है, मुझे देखते से बोलता हो अल्लाह का करम आ गया। क्या बोलता अल्लाह का करम, समझ रहे मेरी बात, तो करम किसका, जोर से बोलो करम किसका। अब देखो सिर्फ अल्लाह बोलते जाना, अल्लाह खुश हो जाएगा, आखिर में देखो अल्लाह खुश हो जाएगा, ईमान भी ताजा हो जाएगा। दावत और तबलीग के पाकीज़ा काम से ईमान को बनाने की मेहनत की जाती है, तो बोल देना करम किसका, जोर से, जिंदगी किसके हाथ, मौत किसके हाथ, नफा किसके हाथ, नुकसान किसके हाथ, ये हवाएं किसके हाथ, ये फजाएं किसके हाथ, ये बादलों को कौन लाता है, ये बादलों को कौन बरसाता है, ये सर्दी का मौसम किसके हाथ, ये गर्मी का मौसम किसके हाथ, ये बारिश का रोक देना किसके हाथ, ये बारिश को चला देना किसके हाथ। तो बस चोरों के हाथ में क्या है फिर, किसी के हाथ में, अरे बोलो आखिरी जुमला, किसी के हाथ में कुछ नहीं, इसलिए टेंशन लेना नहीं, अपना रिश्ता का जोड़ो अल्लाह से, सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, मैं नमाज पढ़ते पढ़ते भी दुआ कर रहा था कि पारस वालों ने इतनी मोहब्बत से बुलाया, 5 किलोमीटर तक के नारे लगाए, और मैं, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, सब दिया, और मैं दुआ करता था कि मौला मैं 20-25 मिनट भी अगर बोल लूँ तो शायद कुछ हक अदा हो जाएगा, लेकिन पूरा 1.5 घंटा बोला, और तबीयत अच्छी होती है तो इतना नहीं बोलता हूँ, इतना बोला। ये आपका इखलास, ये आपने इतनी मोहब्बतों से लाख रुपए खर्च किया है, ये आपकी मोहब्बत है जो अल्लाह ने बुलवाया है, क्योंकि वो अल्लाह भी जानता है कि मेरे बंदे सुनना चाहते हैं उसकी बातें, उसके नबी की बातें, तो उसने बुलवाया। जिन जवानों ने, जिन लोगों ने, मुझे किसी का नाम नहीं मालूम, जिन जवानों ने, जिन लोगों ने इस शानदार प्रोग्राम को सजाया, अल्लाह उनको इसका बेहतर सिला, बेहतर बदला नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्द लिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक, क्या नाम है आप? बिलाल साहब। मुफ्ती साहब कम से कम 10 बजे तक बोलना। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे 1.25 घंटा बाकी है 10 को, और अब 10 को 5 कम है। आपका इखलास, आपकी दुआएं, मैंने कहा दुआ करो, बस इनसे भी कहा भाई तुम लोग दुआ करो। बुलवाता कौन है, बुलवाने वाली जात किसकी, अल्लाह की। ये कदम उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं, ये कदम बढ़ते नहीं हैं, बढ़ाए जाते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है, बुलवाया
जाता है ना भाई। अच्छा देखो, मैं अभी यहाँ आ रहा हूँ 13 तारीख को, आपके जो रोड पर मदरसा है मुफ्ती असलम साहब का, जामिया उल उलूम, जामिया उल उलूम, मैं वहां पर आ रहा हूँ, है ना। हालांकि हमारे बड़े बड़े उस्ताद वहां पर आ रहे हैं, हमारे पीर साहब कमरुज्जमा साहब भी वहां आ रहे हैं, हमारे जमीयत उलमा के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह कासमी भी आ रहे हैं, समझ रहे आप। मैं, मेरी तारीख खाली नहीं थी, मौलवी अहमद साहब, अहमद ही नाम है ना, मौलवी अहमद साहब ने जिद की, तो मैंने कहा भाई जिसको मैंने तारीख दिया हूं तुम उनको पटा लो, नहीं समझा, तो इन्होंने उनको भी पटाने का काम कर लिया और उनकी तारीख आगे बढ़ा दिया। तो 13 तारीख को मैं जामिउल उलूम रोड पर जो मदरसा है बड़ा खूबसूरत बड़ा आलिशान वहां पर आ रहा हूं, और मैं नहीं हमारे बड़े बड़े उलमा भी आ रहे हैं। अच्छा बताओ कौन कौन नहीं आएगा, हाथ उठाओ। अच्छा कौन कौन आएगा, दोनों हाथ उठाओ। माशाल्लाह मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह, आएंगे ना भाई। कब है प्रोग्राम आपका? 13 को। तो 13 तारीख को वक्त बताओ ना आप। असर से शुरू हो जाएगा भाई, 13 तारीख को असर की नमाज से वो शुरू होगा प्रोग्राम, और 10 बजे तक शायद चलेगा मदरसे के ग्राउंड पर। मदरसे के ग्राउंड पर है ना, तो पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा असर से आप बुला लेंगे तो खिलाएंगे, खाने का भी नजम है माशाल्लाह। भाई देखो हमारे मुफ्ती असलम साहब है ना, बहुत बड़ा दिल अल्लाह ने दिया है, समझ रहे। मौलवी अहमद साहब से भी हमारे आदमी ने बात की, तो मौलवी अहमद ने एक चीज बोला, तुम टेंशन मत लो सिर्फ मुफ्ती साहब की तारीख दो। ऐसी पारस वालों का भी दिल देखा मैंने, टेंशन मत लो सिर्फ तारीख दो। तो इंशाअल्लाह वहां आप सब पहुंचे, बेहतरीन इंतजाम रहेगा। चलो 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 जोर से दुरूद शरीफ पढ़ लो। اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعالى انت يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو تمام لغزشوں کو معاف فرما رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما میرے مولا تیری محبت تیرا پیار تیرا عشق تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما تیرے نبی کا سچا عشق تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما میرے مولا تیرے دوستوں کی دوستی اولیاء کرام کی محبت اولیاء کرام کی دوستی ہم سب کو بھی نصیب فرما لیکن اولیاء کے نام پر جو شرک ہوتا ہے جو غلط رسومات ہوتی ہے میرے مولا ان تمام غلط شرک یا رسومات سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما میرے مولا میرے مولا میرے خواجہ کو جس مشن کو لے کر تو نے ہندوستان بھیجا بابا فرید جس مشن کو لے کر ہندوستان آئے اور انہوں نے محنت کی حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے محنت کی حضرت نظام الدین اولیاء نے محنت کی حضرت پیا صابر نے محنت کی حضرت خواجہ منتجب الدین زرداری بخش دولے نے محنت کی حضرت خواجہ حسن شیرازی حضرت خواجہ عمر شیرازی یہ تمام اولیاء کرام نے جو محنت کی ہے میرے مولا دین کو پھیلانے کا کام کیا تیرے بندوں کو تجھ سے جوڑنے کا کام کیا تیرے بندوں کو تجھ سے ملانے کا کام کیا میرے مولا دین کی دعوت کی تبلیغ کی پاکیزہ محنت میں ہمیں بھی اپنی زندگی اپنی صلاحیت اپنا وقت اپنی جان اپنا مال لگانے کی توفیق نصیب فرما میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما حرام لقموں سے حرام لقموں سے حرام کمائی سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما
मेरे मौला ये इतना बड़ा मजमा 3-3.5 घंटों से यहाँ पर बैठा है, सर्द रात है, सर्द हवाएं चल रही है, मेरे मौला ये सब तेरी मोहब्बत में यहाँ पर आए, तेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ पर आए, तेरे नबी की बातों को सुनने के लिए यहाँ पर आए। मेरे मौला ये जितने आए हैं सबके आने को कबूल फरमा, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, और जिसकी जो दिली जायज तमन्ना है सबकी दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। मेरे मौला हर किस्म की बीमारी से हमारी हिफाजत फरमा, हर किस्म के वायरस से हमारी हिफाजत फरमा, कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो या उससे भी ज़्यादा कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक नफ़रतों का वायरस हमारे प्यारे मुल्क में चल गया है। मेरे मौला नफ़रतों के खतरनाक वायरस से इस प्यारे मुल्क की हम सबकी हिफाजत फरमा। मेरे मौला ये हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, सैकड़ों साल से हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर मोहब्बतों के साथ रहते चले आ रहे हैं। मेरे मौला सैकड़ों साल से हिंदू मुस्लिम मोहब्बतों के साथ यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी किसी बड़े शैतान की नज़र इसको लग गई, नफ़रतें फैल गई, दुश्मनियाँ फैल गई, तासुब फैल गया। मेरे मौला इस प्यारे मुल्क की हर किस्म के तासुब हर किस्म की नफ़रत से हिफाजत फरमा। मेरे मौला जब तक जिंदा रख इस्लाम पर ईमान पर जिंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो ईमान वाली कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला हमारे जवानों की हिफाजत फरमा, हमारी जवान बेटियों की हिफाजत फरमा, हर किस्म के नशे से हिफाजत फरमा, मोबाइल की गंदगी से हिफाजत फरमा। इस मोबाइल ने बड़ा फितना फैला दिया, इस मोबाइल ने बड़ा फितना फैला दिया। मेरे मौला मोबाइल की गंदगियों से हमारी बच्चियों की, हमारे बच्चों की, हमारे जवानों की और हम सब की हिफाजत फरमा। मेरे मौला जिन लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया, बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की, बड़ा रुपया खर्च किया, इतने सारे उलमा को बुलाया, इतने सारे उलमा यहाँ पर आए, मेरे मौला जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को सजाया, सवारा, मेहनत की, उनको दुनिया आखिर दोनों जहां में इसका बेहतर सिला बेहतर बदला नसीब फरमा। मेरे मौला हमें मांगना भी नहीं आता, मांगने का ढंग और तरीका भी नहीं आता, क्या मांगना मेरे मौला, क्या मांगना मेरे मौला, हमको ये भी नहीं मालूम, बस जो याद आ गया वो मांग लिया, जो मांग लिया वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सबके वो भी हमें नसीब फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपने फजल से, अपने कर्म से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल कबूल फरमा। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين। भाई देखिए एक ऐलान सुनो, अभी मैं कल गुजरात में था, मुल्क के उस कोने में, आज यहां, फिर कल पाचोरा में रहूंगा, अभी तुम सो जाओगे, मैं 3-3.5 बजे रात में घर पहुंचूंगा, फिर सुबह चैनल पर चला जाऊंगा। बहुत मेहनत करना पड़ती है, दुआ कीजिए, मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ताकत दे, कहो आमीन, अल्लाह हिफाजत करे, कहो आमीन। और मेरे चैनल का नाम क्या है? वायरल न्यूज लाइव। क्या नाम है? यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो, सब्सक्राइब करो, गोदी मीडिया, बदमाश मीडिया, आतंकी मीडिया की खबरें मत सुनो, आ जाओ वायरल न्यूज पर, और मुल्क में क्या चल रहा है ओरिजिनल देखो, ठीक है। और जुमेरात को मेरा बयान होता है 8:30-9 बजे, अपने घर की औरतों को भी लाइव बयान होता है, सुनाया करो। और अभी मैं जा रहा हूं, दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह हिफाजत फरमाए। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम।